जब हमारे केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि NPR सेंसस के तहत है, वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि NPR का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है NRC, उसका और कोई भी मकसद नहीं है। तो जब आज पूरे देश में ये दहशत मची हुई है, जब पूरा देश NRC का विरोध कर रहा है, तो हमारे केंद्रीय मंत्री इसे पिछले दरवाजे से NRC करने के लिए, पिछले दरवाजे से लोगों को डराने के लिए, पिछले दरवाजे से NPR लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगी कि ये सारे भाजपा के नेता, ये केंद्र सरकार के मंत्री झूठ बोल रहे हैं। जो ये मुद्दा NRC और NPR का आज देश के सामने है, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, इसको लेके पूरे देश में आज दहशत मची हुई है। आज NRC को लेके, NPR को लेके हर तरफ हाहाकार मची हुई है, क्योंकि इस देश में जो कागज़ NPR और NRC के लिए मांगे जाएंगे, मुझे लगता है 80-90% लोगों के पास वो कागजात है ही नहीं। अगर आज आप इस विधानसभा सदन में भी पूछ लीजिए, तो आधे से ज़्यादा लोग जो इस सदन में बैठे हुए हैं, हो सकता है उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट ना हो, और जिन लोगों के पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट होगा, तकरीबन शायद 100% लोगों के पास अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा। ये वो देश है जहाँ पे आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में अस्पतालों में लोगों के जन्म नहीं होते। आज भी कई ऐसे गांव होंगे जहाँ पे दाइयाँ आती हैं, जहाँ पे बच्चों का जन्म होता है। ये वो देश है जहाँ पे कुछ साल पहले तक तकरीबन 100% लोग अपना कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाते थे। तो लोगों के मन में ये दहशत है, उन्होंने देखा है कि ये जो हमारी केंद्र सरकार है, कुछ ही साल पहले एक बार इसी सरकार ने सबको लाइनों में खड़ा किया था। जब वो नोटबंदी लेके आए थे, तो पूरा देश सड़क पे आ गया था, ATM के सामने लाइनों में खड़ा हो गया था। उसी तरह से आज देश के लोगों को डर है कि अब अपने कागज़ दिखाने के लिए, अपने जन्म प्रमाण पत्र दिखाने के लिए कि हम इस देश के नागरिक हैं, फिर से हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। और अगर हमारे पास कागज़ नहीं हुए, अगर हमारे पास जो प्रमाण पत्र NRC में मांगे जा रहे हैं वो नहीं हुए, तो बिना किसी पूछताछ के भी हमें उस डिटेंशन सेंटर के अंदर किया जा सकता है। आसाम के डिटेंशन सेंटर की जो कहानियां हैं, वो पूरे देश में दहशत फैला रही हैं। आज देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, उसके पास कागज़ नहीं है और उसके मन में ये दहशत है कि मुझे डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है। आज केंद्र सरकार को भी पता है कि लोगों के मन में ये दहशत है, इसलिए जब वो ये NPR लेके आ रहे हैं, वो तरह तरह के झूठ फैला रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी 24 दिसंबर 2019 को जब कैबिनेट ने NPR के लिए 39,4100 करोड़ के पैसे सैंक्शन किए, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि NPR का NRC से कोई लेना देना ही नहीं है। वो कहते हैं कि NPR हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी और सही लाभार्थियों तक सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचे, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अमित शाह जी तो देश के गृहमंत्री हैं, उन्होंने भी उसी दिन 24 तारीख को कुछ इंटरव्यू दिए, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स को इंटरव्यू दिए, और उन्होंने भी यही कहा कि NRC और NPR का कोई लेना देना नहीं है, NPR को सेंसस के तहत किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है कि लोगों तक सारी स्कीम्स पहुंच सके। भाजपा के एक और सांसद स्वपन दास गुप्ता जी ने भी यही कहा कि NPR बिल्ड्स अप टू द सेंसस डेटा ऑफ 2021। ये इनके जिम्मेदार नेता हैं, ये हमारी केंद्र सरकार के मंत्री हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगी कि ये सारे भाजपा के नेता, ये केंद्र सरकार के मंत्री झूठ बोल रहे हैं। वो इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि जो देश का सेंसस होता है, वो सेंसस एक्ट 1948 के तहत होता है, जिसके तहत सब लोगों की सूचना ली जाती है, लेकिन ये सूचना हमेशा प्राइवेट रहती है, कभी पब्लिक डोमेन में नहीं डाली जाती है। इसको अलग अलग पॉलिसी मैटर्स के लिए, कि कितने पेंशन बनने हैं, कितने राशन कार्ड बनने हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस कानून में कहीं पर भी NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो टर्म है, वो इस कानून को आप शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लीजिए, वो इस कानून में नहीं आता है। ये जो NPR है, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात हो रही है,
वो इस कानून के तहत आता है, द सिटीजनशिप एक्ट 1955, और उसमें जो 2003 में रूल्स बने थे उसके तहत आता है। और ये रूल्स क्यों बने थे ये भी हम आपको याद करा दें कि 2003 में द सिटीजनशिप रजिस्ट्री, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड 2003 के जो ये नियम बने थे, ये नियम सिर्फ और सिर्फ एनआरसी के लिए बने थे, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, ये उसके लिए नियम बने। और उन नियमों के तहत सेक्शन टू सब सेक्शन एल में जो हम एनपीआर की बात कर रहे हैं, जो हम पॉपुलेशन रजिस्टर की बात कर रहे हैं, वो टर्म इस कानून में आती है। सेक्शन टू सब सेक्शन एल ये कहता है, पॉपुलेशन रजिस्टर मीन्स द रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ पर्सन्स यूजुअली रिजाइडिंग इन अ विलेज और रूरल एरिया और टाउन और वार्ड और डिमार्केटेड एरिया। फिर ये आगे जाके कहता है कि इस लोकल रजिस्टर में जिन लोगों का नाम आएगा उसको जो अधिकारी हैं वो उनको वेरीफाई करेंगे, वो उनकी डिटेल्स लेंगे और उसके आधार पे लोकल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स बनेगा, जो हर इलाके से मिला के नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स यानी एनआरसी बनेगा। तो जब हमारे केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि एनपीआर सेंसस के तहत है, वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एनपीआर का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है एनआरसी, उसका और कोई भी मकसद नहीं है। तो जब आज पूरे देश में ये दहशत मची हुई है, जब पूरा देश एनआरसी का विरोध कर रहा है, तो हमारे केंद्रीय मंत्री इसे पिछले दरवाजे से एनआरसी करने के लिए, पिछले दरवाजे से लोगों को डराने के लिए, पिछले दरवाजे से एनपीआर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस एनपीआर का विरोध करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में इस एनपीआर प्रक्रिया को रोका जाए, कि जो देश भर में दहशत मची है उसे खत्म किया जाए। शुक्रिया।